नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो KVS है उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी की मैं ये एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद आपको इसका पार्ट सेकंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पहले से KVS के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आप प्राइमरी लेवल के हों या TGT या PGT। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, इंटरव्यू का मतलब होता है आप किस तरीके से आपकी जो जॉब है उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, सिर्फ उनका ये जानना होता है। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो आपका एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, तो इंटेलिजेंस तो वहाँ पर चेक हो ही गई है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ये जानने के लिए ये इंटरव्यू रखा जाता है कि कल के दिन आप टीचर बनते हैं तो आप किस तरीके से बच्चों को संभालेंगे या किस तरीके से उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे। तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। काफ़ी लेटेस्ट ये क्वेश्चन है जो कि आजकल काफ़ी हद तक पूछे जा रहे हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि अगर आपको आगे भी इसी तरह की सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं सभी इम्पोर्टेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, यही मेरा निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, बच्चे अगर आपके पढ़ाए गए विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। मतलब अगर मैं क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं, मतलब वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चों का ध्यान इधर उधर है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप उस जो आपकी क्लास है उसे एक आप एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ और मैं प्रधानमंत्री और प्रजा का कोई रिलेशन पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्लास में से ही किसी बच्चे को उठाकर प्रधानमंत्री का रोल दे दूँगी और बाकी को प्रजा का रोल दे दूँगी। फिर उनका आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से वो रोल प्ले करेगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको उत्तर देना है, वहाँ पर रेस्पॉन्स देना है कि एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले उन्हें ट्रिक के थ्रू आप पढ़ाने की कोशिश करें कि जैसे किसी राजा के बारे में या सीक्वेंस के बारे में बता रहे हैं, तो क्लास में ही अलग अलग रोल दे दें। इल्तुतमिश दे दिया, आराम शाह दे दिया, रजिया सुल्तान दे दिया। तो इस तरीके से आप बच्चे को अगर रोल दे दोगे तो वो बहुत अच्छा सीखेंगे। तो ये रोल प्ले मैथड भी होता है। तो सेकेंड हो गया रोल प्ले मैथड, ठीक है, जो कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट भी करते हैं, साथ ही क्लास में उनको जो क्वेश्चन पूछने में जो झिझक होती है वो भी उनकी दूर हो जाती है। तो आपके इस तरह के अगर जवाब होंगे तो वाकई ही जो आपका एग्जामिनर जो ले रहा है इंटरव्यू, बहुत इम्प्रेस होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो चाहता है कि आप कुछ प्रोडक्ट आउटपुट दें, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिल रहा है कि जो बच्चे की हेजिटेशन है वो निकल रही है, बच्चे चीज़ों को लंबे समय तक रियल लाइफ से उसको जोड़ पा रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आपका हो गया रियल लाइफ से जोड़ पा रहे हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है। गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी कल या परसों तक मैं आपको 2-3 सीरीज़ इसकी अपलोड करा दूँगी ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। आगे देखिए, कक्षा में उपस्थिति कम हो रही है तो आप क्या करेंगे। आप रोज़ स्कूल जा रहे हैं, डेली आपके जो अटेंडेंस है क्लास की वो घटती जा रही है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप उसके पीछे का रीज़न जानेंगे। तो क्लास में आप क्लास टीचर होने के नाते पेरेंट्स से मतलब पेरेंट्स को बुलाएंगे या उनसे फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे के रीजन्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और जो उसके रीजन्स हैं
उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। उपस्थिति कम हो रही है, क्या पता आपका आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसमें बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि नहीं नहीं ये मैडम तो बेकार पढ़ाती है, हम नहीं जाएंगे स्कूल, या ये मैडम तो डांटती है मारती है, हम नहीं जाएंगे स्कूल। तो क्या पता ऐसा कोई रीज़न हो, तो आप अपने अंदर भी कुछ सुधार करेंगे, आप अपना टीचिंग मेथड चेंज करेंगे, आप अपना टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको भी चेंज करेंगे, और क्लास को इंटरैक्टिव और क्या बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चा डेली स्कूल आ रहा है वो घर जाकर आस पड़ोस में बच्चे रहते होंगे या कहीं भी रहते होंगे, आपस में कनेक्ट तो होंगे ही, वो बताएगा घर जाके कि आज तो मैम ने इतनी अच्छी एक्टिविटी कराई है, ये कराई है, तो वो भी कल को स्कूल आने के लिए जिद करेगा, तो आपकी जो उपस्थिति है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप क्लास में जाते हैं, क्लास का माहौल बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि बिल्कुल बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे। अब आप ऐसा तो है नहीं कि जाते ही गुस्सा कर देंगे कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो, नहीं, तो आप क्लास में जाएंगे और बच्चों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप क्या करेंगे, आप जैसे जाते हैं तो आप क्लैप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बच्चे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे कि टीचर क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट आज हम एक्टिविटी एक करने जा रहे हैं, तो बच्चे सोचेंगे कि क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं, या उनकी पढ़ाई से पहले आप किसी भी तरह की अट्रैक्टिव क्लैपिंग करा सकते हैं, जैसे रेन क्लैपिंग एक होती है कि जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं धीरे धीरे से वो बढ़ती जाती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी रेन ड्रॉप क्लैपिंग कैसी होती है, तो वो आपका जो बच्चों को रिफ्रेश हो जाएंगे, बच्चे एकदम से जो शोर मचा रहे थे वो आपकी तरफ अटेंटिव हो जाएंगे, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं, ओके। आगे देखिए, अगर कोई बच्चा कक्षा में अपशब्द का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस बच्चे को अलग बुलाएंगे और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या घर में वो ऐसे माहौल में रहता है या ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है कि उसके आसपास अपशब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि बच्चे का जो ये पीरियड होता है वो होता है एसिमिलेशन एकमेंडेशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्कीमा एसिमिलेशन एकमेंडेशन, तो वो उसी तरह के वर्ड्स को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। और ZPD आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप वहाँ पर थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तरीके से बच्चा आप शब्द को सीखता है, ठीक है। और बच्चे का आप क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे कि बच्चा इस तरीके से अपशब्द यूज़ कर रहा है, तो प्लीज़ आप घर का माहौल को सुधारिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे को समझाएंगे, उसे अच्छी दिशा की ओर उन्मुख करेंगे, उसे एक अच्छे मार्ग की ओर उन्मुख करेंगे, तो शायद आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सकेगा। उसे आप क्या करेंगे, उसे आप धीरे धीरे क्या करेंगे कि अगर तुम रोज़ अच्छी तरीके से बात करोगे तो मैं क्लैपिंग करवाऊँगा, या मैं तुम्हारे लिए क्लैपिंग क्लास में कराऊंगा, या तुम्हें मॉनिटर बनाऊंगा एक दिन के लिए, तो आप इस तरह के यूज़ आप उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, यदि बच्चे समय पर गृह कार्य करके नहीं ला रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर बच्चा समय पे अपना गृह कार्य नहीं करके ला रहा है, मतलब होमवर्क नहीं करके ला रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके ला रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि होमवर्क ना करने का क्या कारण है, क्या बच्चे पे इतना ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि बच्चा इसलिए होमवर्क नहीं करके ला रहा है, या उसे होमवर्क करने में कोई रुचि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो होमवर्क बहुत ही कह सकते हैं क्रिएटिविटी के रूप में देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जैसे हिस्ट्री में आपको बच्चों को राजा का जो सीक्वेंस है वो लिखकर या याद करने को दिया है, ठीक है, कॉपी में लिखने को दिया है, तो आप उन्हें फ्लैश कार्ड के थ्रू बनाने को देंगे कि आप फ्लैश कार्ड पे अलग अलग कलर्स पे बना के लाना, तो इससे बच्चा क्या करेगा, क्रिएटिविटी उसके अंदर डेवलप होगी, वो नए नए इनोवेशंस कर सकता है,
तो इस तरह के आप अगर उसे गृह कार्य देंगे तो वो वाकई ही बहुत अच्छा होमवर्क करके लाएगा और आपको कुछ आउटपुट देगा। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे की कॉपी रोज़ चेक करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करके ले जाऊँगा तो क्लास में और बच्चों से मैं पीछे रह जाऊँगा। उसे इस चीज़ को रियलाइज़ कराएंगे, ठीक है। क्लास में जो और बच्चे होमवर्क करके ला रहे हैं उनके लिए क्लैपिंग बजाएंगे, और जो नहीं करके ला रहे हैं उन्हें मोटिवेट करेंगे कि देखिए आप भी करके लाइए तो आपके लिए भी क्लैपिंग होगी, और फिर पूरी क्लास मिलकर एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करेगी। तो इस तरीके से बच्चा मोटिवेट होगा। तो आप यहाँ पर मोटिवेशन का सहारा ले सकते हैं। मोटिवेशन आपने पढ़ा होगा CDP में, चाइल्ड पेडागोजी में, तो ये आप कार्य कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर मैं जल्द ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे कि ऑर्गुमेंटेड रियलिटी होती क्या है। तो आज के लिए बहुत ट्रेंड में है, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इस पर चल रही है। तो देखिए ऑर्गुमेंटेड रियलिटी क्या होता है, जैसे क्लास में आप बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराते हैं, जैसे आपको लोयन दिखाना है तो आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन से गूगल पे लोयन डालेंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, अगर आप वीडियो देखने के बाद कर सकते हैं तो आप लोयन डालेंगे तो उसमें आएगा 3D एनिमेशन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑगुमेंटेड रियलिटी से आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप फोटो ले सकते हैं, लोयन आपके सामने आ जाएगा और आप उसके साथ अगर बच्चे का फोटो लेंगे तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट वे में इसको सीखेगा। तो गाइस जल्द ही मैं इसके ऊपर ये वीडियो लेकर आऊँगी कि ऑगुमेंटेड रियलिटी होती क्या है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेकेंड सीरीज़ आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन, थैंक यू सो मच।